हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम न्यू ट्रू हॉरर इंसिडेंट के साथ आपका स्वागत करते हैं अपने इस हॉरर केव्स में। तो आज का इंसिडेंट चंडीगढ़ का है। तो चंडीगढ़ ही नहीं, ये यूपी को भी लिंक करता हुआ इंसिडेंट है। तो इसमें क्या होता है, एक फैमिली होती है, इसमें तीन भाई होते हैं। तो जो बड़ा वाला होता है उसके दोनों बच्चे छोटे होते हैं, मतलब छोटे बीच वाले से, और जो सबसे छोटा होता है उसकी अभी शादी हुई होती है। तो हम सिर्फ बच्चों पे फोकस करेंगे क्योंकि पूरी स्टोरी उन्हीं के आसपास घूम रही है, क्योंकि उन्हीं से जो गलती हुई उन्हीं की सुधरी हुई गलती है ये। तो पहला जो बड़ा वाला लड़का होता है उसके जो दो बच्चे होते हैं उनका एक का नाम सिद्धि होता है और एक का नाम रीमा होता है, ठीक है। तो मेन स्टोरी इन्हीं के अराउंड है। उसके बाद बीच में बीच वाले के जो दो बच्चे होते हैं उनमें से लड़के का नाम पिस्ता होता है और लड़की का नाम खुशी होता है, ठीक है। तो जो बीच वाला भाई होता है और वो अलग रहता है एक दूसरे सेक्टर में कमरा लेके, और जो दो बड़ा और छोटे भाई होते हैं वो दोनों इकट्ठे रहते होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ना एक दिन रात को जो ये बड़ा और छोटे भाई होते हैं ना, इन दोनों की फैमिली जब खाना खुना खाने के लिए तैयारी कर रही होती है तो ये सब हाथ धोने के लिए सब हाथ धो रहे होते हैं। तभी अचानक से जैसे सिद्धि अपना वॉशरूम की तरफ ना हाथ धोने जाती है, तो उनका घर ऐसे होता है कि दो कमरे हैं और बगल में उनके पूरा बरामदा पड़ा है और ये तीसरी मंजिल में रहते हैं। तो सिद्धि ना अपना वहाँ हाथ धो रही होती है तो अचानक से ना एक जोकर ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा होता है, और ये रात बहुत ऐसी होती है कि मतलब वो अचानक से बिल्कुल अंधेरे में ना सिद्धि डर जाती है और उसके हाथ से साबुन छूट जाता है। और जैसे ही साबुन छूटता है तो वो जो जोकर होता है ना वो बड़ी अजीब सी स्माइल देता है, जिसको देखते ही ना सिद्धि बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके हाथ से साबुन छूट जाता है और उसकी जो चीख निकलती है ना, तो सारी फैमिली बाहर। जैसे सारी फैमिली आती है उसको देखते ही जोकर भी थोड़ा इम्बैलेंस सा हो जाता है और उसके बाद अपनी वही क्रीपी सी स्माइल देता है। और फिर सारी फैमिली उससे पूछती है कि भाई तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे इतना ऊपर कैसे चढ़ के आ गए, तुम कौन हो कौन हो। तो वो ना बड़े मतलब उसमें कुछ जादू सा था जिससे ना वो सब पे मैजिक करता है और सब उससे बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे खुश होते हैं और फिर उसके बाद वो अपना ना करतब दिखाने लगता है, और करतब दिखा के सब इतने खुश हो जाते हैं ऐसा समझने लगते हैं जैसे कि उनकी फैमिली का इंसान है। और वो उसको कहते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे हो कौन हो। तो वो फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ना जोकर का काम प्ले करता हूँ और मुझे मेरे इस गेटअप में रहना बहुत अच्छा लगता है, और मैं ना मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैंने दो कई दिनों से आप लोगों की फैमिली को देख रहा था और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं आपके साथ आपकी फैमिली में बन के रहना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे रखेंगे। तो उसके जादू से इतना इन्फ्लुएंस हो रखे थे वो लोग, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, बस एक वो लड़की। और हाँ करते अब वो लोग चले थे डिनर करने, तो सबने डिनर करने लगे। तो उस जोकर को भी बोला गया कि भाई तू भी आ जा, तू भी खा ले कुछ। तो वो कहता मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं ना कभी कभी खाता हूँ और एक दिन में सब खा लेता हूँ, मुझे बार बार कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी इस बात को ना सिद्धि सुन के ना बहुत चौंक गई, और बाकी सब घर वालों ने उसको उसके शायद जादू के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा सोच लिया कि अरे ये इसकी वैसे ही कह रहा होगा, बाहर से कुछ खा पी लिया होगा, ऐसे ही बोल रहा अभी। तो उसके बाद सब लोग सो गए। जैसे ही सब सो के सुबह उठ रहे थे तो सब कोई तो उठ चुका था, पर सिद्धि रात को इतना डर रही थी, उसके लिए वो रात कट नहीं रही थी, तो वो इतनी डर के मारे फिर उसको सुबह के 4-4 बजे के आसपास नींद आई। और जब वो नींद आई तो फिर वो 6 बजे उठना उसके लिए इम्पॉसिबल था, तो फिर वो अपना उठ रही थी, उतने में ना ये जोकर जाता है उसके पास और जाके ना अपने बड़े बड़े जो उसके नाखून निकोले निकोले से होते हैं ना वो जाके चुबा देता है, और तेज़ी से चुबाता है कि वो छोटी सी बच्ची ना उसको सहन नहीं कर पाती है, और तेज़ी नाखून चुबा के उठाता है तो उसको बहुत दर्द होता है। और वो दर्द के मारे जब चिल्लाती है तो उसकी मम्मी आती है, फिर उसको चुप कराती है, बड़ी मुश्किल से चुप कराती है गोद में उठा के, पूरी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है, तब जाके वो चुप होती है। और पर जब सब कोई मतलब वो बता रही होती है कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ भी उस जोकर ने उसके नाखून कराए थे, पर पूरी फैमिली सब उसको अच्छे से देखते हैं कि भाई बेटी की कहाँ लगी है कहाँ लगी है, तो किसी को कुछ नहीं मिलता, उसकी कहीं चोट नहीं दिखती, पर उसकी चोट का दर्द उसे अंदर तक महसूस हो रहा था और वो किसी को नहीं दिख रहा था। तो ऐसे चलते चलते कई दिन बीत गए, वो जोकर उनके साथ फैमिली की तरह ही रहने लगा, ऐसे मतलब महीना खंड बीत गया। और इसके बाद अब जोकर ने ना सबके दिमाग में एक बात डालनी शुरू करी कि चलो हम सबको ना घूमने जाना चाहिए, उस फैमिली को भी ले लेना चाहिए जो आपके भाई बीच वाले रहते हैं उधर, उनको भी लेके चलते हैं, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, यूपी चलते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ चलो हमारा गाँव भी वहीं है, हम वहीं चलते हैं घूम के आते हैं। तो फिर क्या होता है ये लोग डिसाइड कर, तो सब लोग तो सोचते हैं कि हम ट्रेन से जाएं,
पर जो जोकर होता है ना, वो कहता है नहीं, ट्रेन नहीं, ट्रेन नहीं, हम ना वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, हम गाड़ी से जाते हैं, अपनी गाड़ी से चलेंगे, पूरी फैमिली एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो सब कोई फिर, मतलब जोकर का इन्फ्लुएंस था कुछ ऐसा कि सब कोई तुरंत मान जाता है। और याद रहे, सुबह भी वो उठकर कुछ नहीं खाता, और वो यही कहता है कि मैं एक ही दिन खाता हूँ और हमेशा 6-6 महीने के गैप में खाता हूँ, और मैं जब मेरा टाइम होगा तो मैं खा लूँगा। पर ताज्जुब की बात तो ये थी, किसी को इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। और जो हमारी सिद्धि थी, वो पहले बहुत खुश मिजाज और हेल्दी लड़की थी, बट अब इस चोकर के रहने की वजह से ना तो वो खाना सही से खाती थी, ना तो वो खुश रहती थी। वो हर समय टेंशन में रहती थी और किसी और दुनिया में मस्त रहती थी कि भाई, मतलब इसके साथ कुछ गड़बड़ है। इसी के ख्यालों में खोई रहती थी कि कुछ ये बहुत डरावनी और क्रीपी चीज़ है जिसको मेरे घर वाले नहीं समझ रहे हैं। तो क्या करूँ मैं, कैसे बताऊं सबको, कैसे समझाऊं सबको कि हमें से नहीं रखना। सिद्धि बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह इन घर वालों को भी समझाऊं कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, तो इसकी बात ना माने, पर कोई समझने को तैयार भी नहीं था और वो किसी को अच्छे से समझा भी नहीं पा रही थी। तो हमारी ट्रिप शुरू होती है। उसी दिन रात को ये लोग सोचते हैं कि ना रात को ट्रैफिक कम होता है और हम अब लोग हम सब ना रात को ही चलते हैं। तो सब क्या करते हैं, अपना सामान वामान पैक करते हैं। उधर से वो वाले भाई भी आ जाते हैं जिनके बेटा और बेटी थी, खुशी और पिस्ता। तो ये सब लोग मिल के जाते हैं, घूमने जाते हैं, और घूमने के लिए चुनते हैं अपना आगरा। आगरा का एक बहुत घना जंगल जहाँ पे ये लोग घूमने जाते हैं। तो क्या होता है, जब ये घूम रहे होते हैं वहाँ पे, अचानक से खुशी और सिद्धि गुम हो जाती हैं। जब वो गुम हो जाते हैं तो इधर उधर ढूंढने लगते हैं जंगलों में कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर धीरे धीरे उन्हें पहले तो खुशी के मम्मी पापा का सर कटा हुआ एक पेड़ से टंगा हुआ मिलता है। इसको देखते ही दोनों बहनें बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, और डर उनका सर कटा हुआ देखते ही खुशी और सिद्धि दोनों बेहोश हो जाती हैं। और बेहोश होने के बाद जैसे उन्हें करीबन 1-2 घंटे बाद होश आता है, तो वो दूसरे पेड़ के पास अपने आप को पाती हैं जहाँ पे बची हुई फैमिली के भी सर कटे हुए टंगे थे। इसके बाद जो खुशी होती है, वो तेज़ी से चिल्लाती हुई भागती हुई अपनी जान बचाने के लिए बहुत दूर भागती चली जाती है। जब वो भागती चली जाती है तो वो फिर सिद्धि से भी गुम हो जाती है। और इसके बाद सिद्धि को थोड़ी देर बाद उसका भी कटा हुआ सर एक पेड़ पर टंगा मिलता है। और इसे देखते ही खुशी इतनी ज़ोर से, हमारी सिद्धि इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि उसकी नींद खुल जाती है। ये उसका एक सपना था जो कि उसके किसी पास्ट से रिलेटेड था, जो इन चारों बच्चों ने मिलकर गलती करी थी उसका ये हिस्सा था एक, जो उसने आज की रात पहली रात भोगा। और इसके बाद क्या हुआ, उसे रूटीन में ये सपने आने लगे, रूटीन में। और जब सपने से उठते उसके आंसू बहे होते, वो इतना अब हर रोज़ के इन सपनों से वो बहुत परेशान हो चुकी थी। रोज़ रोज़ उसे यही सपने आते थे, आंसू बहते रहते थे उसके, और इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं था। और एक तो बात ये थी इनकी फैमिली में कि भूत प्रेत भी मानते नहीं थे, तो कोई ये सिद्धि अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं पा रही थी, और ये भी नहीं मान पा रहे थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को कोई बीमारी होगी जो उसको रूटीन में से सपने आने लगे। तो उसने अपनी मम्मी को पहले बताया, किस बात को कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया कि हाँ एक सपना आया, जस्ट आया चला गया, नो मतलब कोई टेंशन नहीं है। फिर ऐसा जब उसके साथ रोज़ रोज़ होने लगा, वो बहुत टेंशन में रही थी। पर ऐसा कुछ हुआ कि लगभग 2 से 4 साल के बीच में उसको ये सपने आने बंद हो गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर उधर जो हमारे पिस्ता और खुशी थे, उनके साथ ये सब चीज़ें 2-4 साल इतनी आसानी से नहीं कटे, वो बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें जो खुशी थी उसको भी ऐसे सपने आते थे। खुशी और पिस्ता और ये सिद्धि रीमा, ये लोग आपस में अपने अपने सपनों को इस तरह शेयर नहीं करते थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को डराए ना और फिर फैमिली से डांट पड़ेगी कि किसने कुछ किया तो नहीं, क्या क्यों डराया छोटे बच्चे को। तो ऐसे मतलब उन कोई भी अपना आपस में डिस्कस नहीं कर रहा था, सब अपने मन में रख रहे थे कि ये सपना आया है हमें, ये सपना आया है। और उधर सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उन छोटे वाले बीच वाले अंकल के बेटे की, और उसके साथ ये हो रहा था कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब रह रही थी, और बुखार आ जाता था, अचानक से ठीक हो जाता था, अचानक से बुखार आ जाता था। डॉक्टर की कोई दवाई असर नहीं करती थी, पर रात को सो के सुबह उठ के ठीक 1 घंटे के लिए, और उसके बाद तबीयत बहुत ख़राब बहुत ख़राब। फिर जो उनके पापा थे और मम्मी थे, ये पिस्ता और खुशी के, ये थोड़े
अंधविश्वासी समझ लो या फिर इन सुपर नेचुरल चीज़ों पे मानते थे। तो उन्होंने उन दोनों को चेक करवाया किसी पंडित से। पिश्ता था ना, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, और उसके बाद चेकअप करवाया गया। पिश्ता की मम्मी की टांग टूट गई, और उनको ऐसा ही लगा कि पीछे से किसी ने धक्का मार दिया और उनकी टांग टूट गई। उनके साथ तो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हो रहा था, उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रक्शन के कगार पर पहुँच गई थी, मतलब बीमारियों से इतना ज़्यादा उन्हें नुकसान हो चुका था ना कि वो कुछ डॉक्टरों से उन्हें मतलब संतोष ही नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने बाबाओं से जब अपना झाड़ फूँक करवाया तो उनको बाबा ने बताया कि आपके बच्चे ना जब वहाँ गए थे अपने गांव, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। पर इधर जो सिद्धि और रीमा थे, इनकी फैमिली में किसी को कुछ नहीं पता चला कभी भी, और ये दोनों मतलब उन सपनों के साथ 3-4 साल बिताने के बाद अब अपनी ज़िंदगी सही से बिता रहे थे, क्योंकि इन्हें इस बात की हिस्ट्री का कुछ पता ही नहीं चला कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने सोचा बस जस्ट एक सपना था जो बार बार आ रहा था, दिमाग में बैठ गया था। बाबा जी थे, उन्होंने बताया कि ना इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने ऐसा घोर पाप किया है ना कि उसकी माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो उन्होंने पूजा वगैरह कराई, और वो पाप वो था कि ये चारों बच्चे ना, इनके गांव में एक जंगल था, मतलब जंगल क्या लगा लो, एक बाग था गोल गोल गोल, पूरा वो आम के पेड़ों से पूरा भरा हुआ था। तो जो आम के पेड़ों से भरा हुआ बाग था वो बहुत इनफेमस था, मतलब कि लाइक हॉरर थिंग्स और क्रीपी के लिए, कि वहाँ पे ना यहाँ दो कब्रें गाड़ी गई थी, जिन लोगों का वो खेत था उनकी कब्र थी वहाँ पे। उस हॉरर बाग के बारे में ना सबको पता था, इवन इन बच्चों को भी चिताया गया था कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, बट बच्चे तो बच्चे होते हैं और उनको अलग से खुजली होती है हर चीज़ में उंगली करने की। तो ये सब चारों और इनकी एक बड़ी बहन काजल, जो गाँव में ही रहती थी, दूसरे ताऊ जी की लड़की, उसके मम्मी पापा नहीं थे तो वो वहीं रहती थी, वो सब मिलके ना इन्होंने सोचा हम ना रात को ना उस बाग में जाएंगे और देखेंगे कौन सा भूत आता है, क्या होता है। पर इनकी रात को हिम्मत नहीं पड़ी, रात के 12 बजे फिर उन्होंने बोला दोपहर में भी 12 से 3-4 कुछ भूतों का टाइम होता है, हम ना उस टाइम जाएंगे। तो जब ये लोग क्या किया, इन्होंने अगली सुबह उठे और दोपहर का इंतज़ार करने लगे, चारों पाँचों बच्चे मिलके बिल्कुल रेडी थे कि अब हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो ये सब गए, जब ये वहाँ पहुँचे तो बहुत मतलब शांत माहौल था, कोई हवा नहीं थी, कुछ नहीं था, सब धूप निकली हुई थी कड़ाके की, बिल्कुल चुभने वाली धूप। और ये जब तो इन्होंने पहले ना, तो जब इन लोगों ने एंट्री करने की सोची तो सबको डर लग रहा था। तो फिर उन्होंने पता है एक प्लान बनाया, इन्होंने बोला कि सबसे छोटी हमें रीमा है, हम ना रीमा को आगे खड़ा करते हैं, रीमा सबसे छोटी है, छोटे बच्चों को भूत कुछ कहेगा नहीं, इसको पागल बना के आगे खड़ा कर दिया। फिर अपनी एज के अनुसार सब खड़े हो गए, फिर सब सेफली उस जंगल के अंदर पहुंच तो गए, सब मतलब उस बाग के अंदर पहुंच गए और इंजॉय करने लगे, इधर उधर देखने लगे, आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं, बहुत अच्छा है, ठंडा माहौल है, कड़ाके की धूप से आम के पेड़ों की छाया उनको बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा था। पर वहाँ उन्होंने एक गलती कर दी, जो उसमें से पिश्ता था ना, उसने क्या किया, पिश्ता और खुशी ना उसकी कब्र पे खड़े थे और सिद्धि भी वहीं खड़ी थी। फिर खुशी थोड़ी देर बाद चल के आगे देखने लगी, उतने में ना पिश्ता ने ना पेशाब कर दिया उस के ऊपर, जानबूझ के डिज़ाइन बनाया बेइज्जती करने के लिए, तो ये तो होना ही था। और उसके बाद काजल ने जैसे ये देखा, जो उनमें सबसे बड़ी थी, जो उन्हें वहाँ लेके गई थी, जो उनकी सुपरवाइज़र थी, उन्होंने उसको बहुत डांटा और वहाँ से फिर वो बच्चे भागे। और इसमें रीमा वहीं पीछे छूट गई और ये चारों भागे भागे भागे, और जब ये भाग रहे थे वहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा माहौल हो गया था, इतना आंधी आने लगी थी, कोई मतलब पहले कुछ ऐसा माहौल नहीं था। तो इन्होंने कि सिर्फ उस पेशाब की गलती की वजह से, उसके बाद ये बच्चे वहाँ से भागे और रीमा पीछे छूट गई थी। फिर बीच रास्ते में उन्हें रीमा की याद आई, अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो रीमा को वापस लेने जाए। फिर रीमा भी अचानक से वो वहीं खड़े होकर वेट करने लगे, फिर पीछे से रीमा दौड़ती हुई आई और फाइनली रीमा सेफली उन तक पहुँच गई थी। और अब वो दौड़ते दौड़ते अपने घर गए और घर पर जाके रुके नहीं, वो सीधा छत गए, छत से उस बाग को देखने के लिए, क्योंकि उनके छत से बिल्कुल डायरेक्ट दिखता था और वो देख रहे थे कि वहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालाँकि उन्हें वहाँ कुछ दिखा नहीं, पर उस बात का असर उन पर 3-4 साल रहा, जो बाबा जी ने पूजा हवन करके ठीक किया। तो गाइस कभी भी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, तो गाइस कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जो बड़े लोग कहें कि ना जाओ ना जाओ, तो मत जाओ ना, क्या रखा है उस जगह पे। हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके पास कोई भी रियल ट्रू इंसिडेंट आपके पास है आपकी लाइफ का, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, जाके देखिए, सब एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और रियल हैं, तो जाके देखिए ना, क्यों टाइम वेस्ट करें।